वेलकम टू आवर चैनल लिटिल सिस्टर्स। वैसे परफेक्ट आता है घूमने के लिए हमारी पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। तो ये वीडियो बिगिनर्स के लिए जिन्हें कुछ भी नहीं कर कुकिंग का कुछ भी नहीं आता, और जैसे कि आप घर में अकेले हो और आपको भूख लगी है तो आप जल्दी से ही आटा गूंथ के कुछ भी बना सकते हो खाने के लिए। तो परफेक्ट आटा गूंथने के लिए हमने सबसे पहले एक बाउल आटा लिया है, उसे हमने अच्छे से छान लिया है और इसी बाउल में हमने पानी भी लिया है। अब हम इसमें ऐसे गड्ढा बनाते हुए इसमें थोड़ा करके पानी डाल लेंगे और फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और ऐसे ही गूंथते जाएंगे। जैसे कि अब सारा आटा पानी के साथ चिपक चुका है, अब हम इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे और इसे भी ऐसे ही गूंथ लेंगे और ऐसे ही धीरे धीरे करके हम पानी इसमें ऐड करते जाएंगे। और जब तक ये अच्छा से आटा गूंद नहीं हो जाता तब तक हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो ये देखिए हमने ऐसे ही करते हुए इतना आटा और पानी मिक्स कर लिया है। अभी भी ये देखिए सूखा आटा यहाँ पे बचा हुआ है, इसे भी हम अच्छे से गूंदेंगे। तो ये देखिए ये लगभग डो के फॉर्म में आ चुका है। अभी ये बहुत हार्ड है इसलिए अब हम इसमें थोड़ा पानी और ऐड करेंगे और इसे ऐसे गूंथ देंगे। ये देखिए इसमें थोड़ा सा ही पानी ऐड करना है, नहीं तो ये लिबलिगा हो जाएगा बहुत। तो ये देखिए हमारा आटा अच्छे से गूंद हो चुका है। तो ये देखिए आटा सही से गूंद होने की कुछ निशानियां हैं, जो है ये देखिए जैसे हमने इसे कर्व किया है, अभी फोल्ड किया है। तो ये देखिए ऐसे हम इसे गूंद रहे हैं और यहाँ पे ऐसे कोई कट नहीं आना चाहिए। और दूसरी निशानी है ये देखिए, जिसमें आप आटा गूंद रहे हैं वो बिल्कुल क्लीन हो जाता है जब आपका गूंद हो जाता है आटा। इसी निशानी ये है कि आपके जब आटा गूंद हो जाता है तो हैंड्स ये देखिए ऐसे क्लीन हो जाते हैं बिल्कुल। और ये देखिए ऐसा सॉफ्ट आटा होना चाहिए। और बस अब हम इसे ऐसे इसे इकट्ठा करके अब हम इसे कंटेनर में डाल देंगे। तो ये देखिए इतना हमारा पानी बच चुका है, अब हम इसे खाली करके इसमें ये आटा डाल देंगे। तो ये देखिए हमने ये कंटेनर खाली कर लिया है, अब हम इसमें आटा डाल देंगे। तो ये देखिए ये पूरा बाउल भर चुका है, हमने इतना ही आटा लिया था और इतना ही पानी लिया था और थोड़ा सा पानी हमारा बच गया था। तो ये देखिए हमारा इतना आटा गूंद हो चुका है और ये देखिए इतना सॉफ्ट होना चाहिए, ये इससे हार्ड नहीं होना चाहिए और इससे ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। तो अब आप इससे फुलके पका सकते हैं या फिर रोटी बना सकते हैं, जो भी आप बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं इससे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। और अगर आप तो हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।